सर्कल और स्ट्रेट लाइन है। जिस भी सुबह पहली सुबह जब हमारे किसी भी पूर्वज ने उगते हुए सूरज से निकलती हुई किरणों को देखा और उसको महसूस किया और उसको प्रकट किया होगा, ये पहली खोज थी। हालांकि विज्ञान में हम मानते हैं कि पहली खोज पहिए की हुई थी, लेकिन ऐसा माना जा सकता है। जो भी चीजें मैं कह रहा हूँ ये उद्गार हैं, इनको बिल्कुल सत्य न माना जाए, क्योंकि हमारे धर्म में हमेशा हर चीज पर डिस्कशन हम इनवाइट करते हैं और तर्क वितर्क चलता रहता है, फिर जो सच होता है, जो रित होता है, वही सामने आता है। लेकिन अगर सूरज नहीं होता, सर्कल नहीं होता, तो पहिया भी नहीं होता, ऐसा हम मान सकते हैं। और किसी आकार में जो पहला अंक गणित का हमने सिंबल दिया वह शून्य था, वो इसी धरती से उपजा। ऐसा मत है कि ऋग्वेद के द्वितीय ऋषि मेधातिथि कर्ण, उनके कथन में सबसे पहले शून्य का आविष्कार प्रतीत होता है। तो वैदिक काल से ही शून्य जो हमने दिया, जो हमारा सिस्टम था, और उस समय भी बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में, उस समय संख्याएं भले ही सिंबल से प्रकट नहीं की जाती थी, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याओं का विवरण मिलता है। तो जो इस समय की जो वैदिक मैथमेटिक्स पीरियड की न्यूमेरल सिस्टम है, इससे भी पहले कोई सिस्टम रहा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर हम लोगों ने एक शुरुआत की थी श्लोक से, ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और उसका जो भी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन था एक छात्रा ने यहाँ पर प्रकट किया। पर अगर आप प्रोफेसर जीएस पांडे जी का शोध पत्र जो कि प्रकाशित है उसको ठीक से पढ़ें, अंग्रेजी में लिखा है, तो आप पाएंगे कि यह वास्तव में डिराक डेल्टा फंक्शन का ही एक रूप है। वहां से डिराक डेल्टा फंक्शन को डिस्क्राइब किया गया है, ऐसा आप देख सकते हैं। तो जो पुरानी धाराएं हैं, जो नवीन धाराओं में किस तरह से मिलती हैं, उसके लिए हमें संस्कृत का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान और गणित वास्तव में उसके मूल में है। क्योंकि हमारा ये मत था कि जो भी हम लोगों ने नॉलेज सिस्टम अक्वायर किया वो पहले मन को शांत करने के लिए और दूसरा ईश्वर का दर्शन करने के लिए। और साइकोलॉजी भी पहले फिलॉसफी का ही भाग हुआ करता था, तो पूर्ण रूप से जो दर्शन शास्त्र है उसी को समझने के लिए ही इन चीजों की आवश्यकता हुई थी। हमारा जो उद्देश्य था वो कॉमर्शियल नहीं होता था, वो हमारा जो उद्देश्य था वो हमेशा आध्यात्मिक हुआ करता था। जब आप मन को शांत करने की बात करते हैं तो म्यूजिक उसका पहला हिस्सा है, और दर्शन बिना लॉजिक के चलता नहीं है, और लॉजिक मैथमेटिक्स की शुरुआत है। तो गणित, म्यूजिक और फिलॉसफी किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट का जो तीन प्रमुख पैरामीटर है, इन्हीं से पता चलता है कि सोसाइटी कितनी डेवलप है। ये कोई मेरा मौलिक कथन नहीं है, ऐसा मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं आपको कारण बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद किस कारण से ऐसा है। तो म्यूजिक, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी, ये तो प्रमुख मूलभूत उद्देश्य किसी भी सोसाइटी के होने चाहिए और हमारे भी होने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने माता सरस्वती जी के ऊपर उद्गार सुने, प्रोफेसर अवनीस कुमार जी हमें बता रहे थे। जैसा मैंने अपने गुरु जी से सुना है, माता जी का नाम ही सरस्वती क्यों है? हम जो चीजें हैं उसको मान लेते हैं और उसके बाद उसके दिए हुए कथन को, लेकिन प्रश्न करने में थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा डर रहता है, थोड़ा भय रहता है। लेकिन सनातन धर्म में हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है। जो भी हमारे धर्म का विकास हुआ है प्रश्नोत्तर से ही हुआ है। यदि नचिकेता नहीं होते तो बहुत सारा धर्म रह जाता। सरस्वती क्यों? तो उसका सीधा कारण यही बनता है कि वह विद्या ही क्या जो सरस्वती न हो। नीरसवती विद्या की कोई आवश्यकता नहीं है, और गणित को यह कहना कि ये नीरस विषय है, ऐसा कोई नीरस प्राणी ही कह सकता है।
क्योंकि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति अगर फल को खा ले और उसका वर्णन न कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको स्वाद नहीं मिला है। इसलिए जिसको गणित का स्वाद मिल चुका है उससे आप पूछेंगे वो बता भले न पाए, लेकिन वह स्वाद एक अनोखा अद्भुत स्वाद है। यहां पर बात